ऑल इंडिया बन जिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर काफी सुर्खियों में है। लगातार तमाम सेकुलर पार्टियां जहां खामोश है, तो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर सौद्दीन ओवैसी ज्ञानवापी मस्जिद के मुद्दे पर पूरा डटे हुए हैं। आज आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा दिया गया। जब मैंने उस पर कहना शुरू किया तो फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, तनकीद करना शुरू कर दिए कि आखिर तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर आप बोलो ना, जो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं आप क्यों नहीं बोलते। हिजाब के मसले में आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हलाल गोश्त का मसला है, आपको बोलना था, आप नहीं बोले। नौकरियां मिल रही है नौजवान मुसलमान को तो कहा गया जॉब जिहाद, आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते हैं तो कहते हैं तुम क्यों बोल रहे हो। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे जमीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अंबेडकर ने बनाया, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है और मैं खोलकर अपनी बात को रखना चाहता हूं। हां, तुमको अगर मेरी बात पसंद नहीं आती है तो अपने कान में उंगलियां रख लो, मगर तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। तो याद रखिए, अगर आज आप ये सोच कर आए कि हम इसका भाषण सुनेंगे तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मैं कोई खव्वाल नहीं हूं, कोई गाने वाला नहीं हूं कि आप मेरी आवाज को सुनकर वाह वाह हासिल करने में नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं और आता रहूंगा वटगाम को कि आप इस सरजमीन पर अपने एक सियासी लीडर को पैदा करिए, अपनी खियादत को मजबूत करिए।